देखिए, ये जो चैनल है मेरा, अब मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। पहले मेरे चैनल का नाम माय जूनियर मैथ था, अब बहुत जल्द मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने अब तक मुझे कोऑपरेट किया है, इसी तरह से आपका कोऑपरेशन जारी रहेगा। थैंक यू। अब देखिए, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है ये 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमको, ये बहुत ही जानने जरूरी होते हैं, बहुत ही ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इनको हमेशा याद रखना चाहिए हमको। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हमने पहले ही पढ़ा, जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। देन द सम ऑफ द मेजर्स इज 90 डिग्री, इसमें आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इसी के बिल्कुल मिलता जुलता है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री वाले को ही तो हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर, जो टू एंगल्स होते हैं जो लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाने वाले क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, अभी बताता हूं मैं आपको, उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे हमने एक लाइन बनाई यहां पर, और इसके बाद में इसके ऊपर हमने एक इस तरह से एक एंगल बना दिया, तो देखा हमने कि ये जो है, ये पूरी लाइन का ये टोटल एंगल जो है ये 180 है, ये 180 है ये, तो ये सप्लीमेंट्री कहते हैं। इस सप्लीमेंट्री के अंदर देखिए दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल ये है, दूसरा ये है, तो दोनों का सम 180 होता है। इसके बाद में देखिए हमारा जाता है फोर्थ पार्ट इसका, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये इसी का अपोजिट है बिल्कुल। इसको बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री अगर एंगल्स हैं वो, टू एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं तो दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, इसका आंसर आएगा लीनियर पेयर, तो वे एक लीनियर पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ए पॉइंट देन देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसमें इक्वल आएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं भी आपको समझा देता हूं। अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी इसके बराबर ये होगा और इसके इक्वल ये होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ऑलवेज इक्वल। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, अगर एक साइड के एंगल्स जो है वो एक्यूट है, तो देन द अदर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज, ये अदर साइड जो है इसकी ऑब्ट्यूज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखिए, अगर हम यहां पर एक ऐसी एंगल बना देते हैं जिसमें के ये आ गया, देखिए इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, जैसे कि हमने यहां पर फिगर बनाई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये और ये दोनों ही कौन से है, ये एक्यूट है, एक्यूट कहते हैं 90 डिग्री से कम एंगल्स को, ये देखने से ही पता चल रहा है ये दोनों एंगल 90 से कम है, लेस देन 90 डिग्री है ये, तो दूसरे जो बचे हमारे ये मोर देन 90 होंगे, मोर देन 90 वाले को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हें सारे पॉइंट्स को हमें लर्न करके रखना होगा। थैंक यू।